जूनियर डॉक्टर्स की स्ट्राइक को अवैधानिक करार किया है, उन्हें 24 घंटे के अंदर काम पर वापस आने के लिए कहा है, और यदि वो 24 घंटे के भीतर काम पर वापस नहीं आते तो उनके खिलाफ सरकार को निर्देशित किया है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जूडा के द्वारा जो मांगें रखी गई थीं उनमें से अधिकांश मांगों को मान लिया गया है, यहाँ तक कि उनके खुद के या उनके परिवारजनों के कोरोना से पीड़ित होने पर जहाँ वो कार्यरत हैं उन अस्पतालों में उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट की भी सुविधा सरकार के द्वारा दी गई है। उनकी मांग थी कि कई बार पेशेंट्स का निधन हो जाता है, लाइन ऑर्डर की प्रॉब्लम होती है, उनके ऊपर हमले होते हैं, इसके बारे में भी सरकार ने कहा कि उनकी सिक्योरिटी की सारी व्यवस्था करना हमारा कर्तव्य है, हम करेंगे। तीसरी उनकी एक मांग थी कि चूंकि कोरोना के कारण उनकी स्टडी पीरियड को आगे बढ़ाया जा रहा है तो इसलिए उस आगे बढ़ाए हुए समय की कोई अलग से फीस ना ली जाए, इस पर भी हमने कहा कि आगे बढ़ाए हुए पीरियड की कोई अलग से फीस नहीं ली जाएगी। जो उनकी एक और मांग थी कि स्टाइपेंड को बढ़ाया जाए, तो स्टाइपेंड के बारे में भी सरकार जो उचित स्टाइपेंड बढ़ाया जाना चाहिए 2018 से अभी 2021 के बीच में जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के मुताबिक, तो उसके लिए भी सरकार तैयार है, लेकिन उनका ये कहना था कि पहले मीटिंग हो उसके बाद वो स्ट्राइक कॉल ऑफ करेंगे, जिस पर सरकार को आपत्ति है। वो सरकार ने कहा कि पहले स्ट्राइक कॉल ऑफ हो उसके बाद मीटिंग होगी, चूँकि स्ट्राइक उन्होंने कॉल ऑफ नहीं की इसलिए हाईकोर्ट ने इस प्रकार का आदेश जारी किया।